गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल सी हाउ टू प्रिंट ट्रायंगल इन सी प्लस प्लस. ट्रायंगल और पिरामिड इज सेम, मींस द पैटर्न वी हैव एवर सीन कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कोई आस्ट्रिक है, देन सेकंड रो सेकंड कॉलम में दो आस्ट्रिक है, देन थ्री आस्ट्रिक है, फोर आस्ट्रिक है. ऐसे क्वेश्चंस को हमको केसेस प्रिंट करना है या सॉल्व करना है. तो फर्स्ट पैटर्न्स को आप मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रेजेंट इन अ मैट्रिक्स. सो मैट्रिक्स इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम. सो हियर हाउ मेनी रोज, फोर रोज, एंड हाउ मेनी कॉलम्स, फोर कॉलम्स. ओके, सो फर्स्ट रो इज कॉल्ड एज फर्स्ट वन, देन टू, थ्री, फोर. सिमिलरली कॉलम्स आर वन, टू, थ्री, फोर. So here four rows and four columns. First coordinate value will be represent as 1, comma 1. Then rest of the values in a first row will be empty. Then second row and two columns. Then two, rest of two are empty. Then third column, one coordinate is empty. Then four, all print asterisk. So ऐसे questions को हम क्या करेंगे? सबसे पहले लूप्स के फॉर्म में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. लूप इज़ व्हाट? एग्जीक्यूशन ऑफ सेम स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन और रिपीटेडली एग्जीक्यूशंस. सो यहाँ पे आप फॉर लूप पढ़े हैं, व्हाइल लूप पढ़े हैं, डू व्हाइल लूप पढ़े हैं. तो बेस्ट आप फॉर लूप का यूज़ करें. एंड सेकेंड, हाउ मैनी फॉर लूप्स? तो ये किस पर डिपेंड करता? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ये क्या है? टू डायमेंशनल मैट्रिक्स है. मीन्स आई क्या हो गया? आपका नंबर ऑफ रोज. तो कहाँ तक एक्सीड करेगा? फोर तक. एंड जे क्या हो गया? कॉलम. कहाँ पे एक्सीड करेगा? फोर तक. मींस आई की वैल्यू फोर तक जाएगी और जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी? फोर तक जाएगी. तो यहाँ पे आपको टू फॉर लूप्स लेना है. तो मैं सिंपली फॉर लूप को रिप्रेजेंट करता हूँ. फर्स्ट होता है आपका इनिशियलाइजेशन, देन सेकेंड होता है कंडीशन एंड अपडेट. ठीक है, देन गो टू इनसाइड ऑफ फॉर लूप. इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेट, ये हो गया फर्स्ट स्टेप. देन सेकेंड स्टेप, देन मूव टू इनसाइड ऑफ, दिस वन इज अवर थर्ड, देन बैक टू अपडेट, स्टेप फोर एंड स्टेप फाइव. तो टोटल फाइव स्टेप वी हैव टू परफॉर्म. तो हियर सिंपली राइट अ फॉर लूप. आई इनिशियली वॉट? नंबर ऑफ रोज इज वन अप टू 4, then